सुदामा बेखाए
द्वारपालों से कहा कि प्रभु द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, आप जाकर एक बार उनको बता दीजिए कि उनका सखा उनसे मिलने आया है। द्वारपाल अंदर गए, महल में जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि प्रभु एक दिन आपसे मिलने आया है और अपने आप को आपका बचपन का मित्र बतलाता है। कहते हैं अरे शिष्य पगाना जगा तन पे प्रभु जाने के सुदामा जी एकांत में बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण दोनों हाथों को फैलाए हुए कहा सुदामा मेरे मित्र, और जाकर सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को देखकर भाव विभोर हो गए। सुदामा जी ने अपने आंखों के आंसुओं को रोक लिया कि कहीं कृष्ण ये ना समझे कि मेरी स्थिति मेरी अवस्था खराब है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा आज आप जैसा ब्राह्मण मेरे महल में आया है, आज मेरा महल परम पवित्र हो गया है। प्रभु सुदामा जी को महल के अंदर लेकर आए, स्वयं जिस सिंहासन पर बैठते थे प्रभु ने अपने उस सिंहासन पर सुदामा को बैठाया है। अपनी रानियों को आदेश दिया जाओ जल लेकर आओ, लेकिन जब तक जल लेकर जाते भगवान स्वयं अपने आंखों के अश्रुओं से सुदामा जी के पग धोने लगे। पीताम्बर अपने पीताम्बर से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरणों की धूली को धीरे धीरे साफ किया, झाड़ने लगे, और जैसे ही प्रभु ने तलवे पर हाथ लगाया कि सुदामा जी उछल पड़े, दर्द के मारे कहां उठे।
जाकर रुक्मणी की जल लेकर आती, प्रभु श्री कृष्ण ने अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया, दोनों चरणों को प्रभु ने आंसुओं से धोया। ऐसे बेहाल बेवाई न सौंपा गए स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए,